अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 68। आज के इस लेसन में हम यूसीएस के ऊपर डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसमें यूसीएस को हम किस तरह मूव कर सकते हैं या फिर आप इजिली काम किस तरह कर सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आज इस लेसन में हम देखेंगे शो यूसीएस आइकन, शो यूसीएस एट ओरिजिन पॉइंट, हाइड यूसीएस आइकन, पर्पस ऑफ टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट एंड अदर ऑप्शन ऑफ यूसीएस आइकन। तो आज के लेसन में हम यूसीएस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसमें मैंने इससे पहले वाले जो लेसन या इससे पहले जो काम किया था उसमें मैं कोई भी सर्कल या कोई चीज़ जब मूव करते उसमें रोटेट 3D करता था। लेकिन रोटेट 3D करने में थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज़ जो आप जैसे बनाना चाह रहे होते हो वैसी बनती नहीं है। तो उसके लिए आप यूसीएस आइकन का यूज़ करें, और आज के जो लेसन में कर रहा हूँ इसी पे नेक्स्ट लेसन, हम इसी लेसन को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट लेसन पे भी काम करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, न्यू ड्राइंग ली। तो स्टूडेंट्स, यूसीएस आइकन आपके पास होम में, यहाँ पे आप देखें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, इस पर काम कैसे किया जाता है। और इसके अलावा बास जिन जिनके पास ऑटोकैड 2013 है, 12 है, 10 है, तो उनके पास व्यू में यूसीएस आइकन का ऑप्शन आ जाता है ये वाला। तो मेरे पास यहाँ पे होम में ये वाला ऑप्शन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें यूसीएस के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। यूसीएस एक्स और वाई, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, जो आपका यहाँ पे ये देखें, ये आपका हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस है। तो आप इस यूसीएस आइकन को अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिन पॉइंट में नहीं है तो मैं उसके लिए यू सी एंटर करके ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आर ई सी एंटर करता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब मैं जब इसको मूव करता हूँ, देखिए मेरे पास यूसीएस आइकन ओरिजिन पॉइंट में नहीं है, मीन इस यूसीएस आइकन को इस पॉइंट में होना चाहिए था। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन पॉइंट, क्लिक करें। एक सेकेंड में देखता हूँ फिर दोबारा। ओके, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें यूसीएस आइकन जो अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओरिजिन पॉइंट है अभी ये वाला, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अगर आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो आप देखें शो यूसीएस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में चला जाएगा। और अगर आप इसी चीज को आप चाहते हैं कि हमेशा ये ओरिजिन पॉइंट में हो तो आप क्लिक करेंगे तो ये हमेशा ओरिजिन पॉइंट में होगा, देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिन पॉइंट में हो, सिर्फ ये यूसीएस आइकन को, ओरिजिन पॉइंट को हम ऑफ करते होते हैं। देखें यू सी एंटर करके मैं डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट क्लिक करूंगा तो ये देखें अपनी ओरिजिन पॉइंट से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम उसे अनचेक करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करते हैं तो अपनी नॉर्मल पोजिशन में चला जाता है। नेक्स्ट आप बस हाइड यूसीएस पे क्लिक करें तो आपका यूसीएस आइकन हाइड हो जाएगा। अगर हाइड नहीं करना चाह रहे, वापस लाना चाहे तो हाई अनहाइड करें तो ये वापस आ जाएगा। जो यूसीएस आइकन क्लिक करें तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, आप देखें जेड एक्स वाई और जेड तीन एक्सेस हैं। तो आप इनमें से, मैं फॉर एग्जांपल जेड एक्सेस को आप सामने लाना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसका एक्सेस पॉइंट हो, ये देखें कह रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल अबाउट जेड एक्सेस, जेड एक्सेस के लिए कौन सा एंगल होना चाहिए मैं चाहता हूँ ये वाला होना चाहिए। क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये जो हमारे पास एंगल आ गया ये जेड एक्सेस आ गया, और एक्स और वाई है लेकिन ये वाला एंगल हमारे पास जेड एक्सेस पे काम कर रहा है। दोबारा अपनी नॉर्मल पोजिशन में जाने के लिए यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करें तो आप नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे, देखें, और ये एक्स वाई जेड तीन और तीन पॉइंट हमारे पास आ गए, देख सकते हैं। अभी जो काम किया इसको वापस रिपीट करें तो रिपीट भी कर सकते हैं। आप इसी तरह वाई एक्सेस लेना चाहें तो वाई एक्सेस भी आप ले सकते हैं, आप चाहते हैं ये वाला एरिया वाई एक्सेस हो वाई एक्सेस भी ले सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे भी जाके तो अपने ऑब्जेक्ट को या अपने किसी भी एरिया में आप अपने ऑब्जेक्ट को या फिर यूसीएस आइकन को किसी पॉइंट में लेके जा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजिशन में है, देखिएगा व्यू ये वाला हो ऑब्जेक्ट का, तो आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ये आपका व्यू इसका चेंज अभी वैसे वही है। तो मैं 3D में काम करूँ इसलिए 3D में मैं क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा जो ही, तो देखिए मेरे ऑब्जेक्ट में एक एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों बता रहा था। तो मैं क्लिक करता हूँ तो एक्स
वाई और जेड तीनों एक्सेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट को ले आए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका यूसीएस आइकन की प्रॉपर्टीज हैं, क्लिक करेंगे यूसीएस की प्रॉपर्टी आ जाएंगे। थ्रू टू डी में काम करते हैं टू डी आ जाएगी, थ्री डी में करते हैं थ्री डी, देखें ये टू डायमेंशन आ गया एक्स और वाई, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो थ्री डायमेंशन आ जाता है। नेक्स्ट है जो जो काम आज अभी हमने किया है तो उसको यूसीएस को दोबारा प्रीवियस अपनी पोजीशन में प्रीवियस स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं तो क्लिक करें प्रीवियस में आ जाएगा, देखें एक्स और वाई ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता तो उसी में वापस आ गया, देख सकते हैं। तो मैं दोबारा प्रीवियस पे करता हूँ, देखें देखें चेंज हो रहा है यूसीएस आइकन, जो जो हमने काम किया वो सारे रिपीट हो रहे हैं। तो इस पोजिशन से हमने ये काम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपके पास यूसीएस आइकन का, यूसीएस आइकन में मैनेज करना चाहते हैं आप मैनेज यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, खुद मैनेज करना चाह रहे हो तो आप मैनेज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये देखें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस और थर्ड डायमेंशन जेड एक्सेस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ, तीनों डायमेंशन आपने सेलेक्ट करनी है। तो अब देखें ये वाला मेरा एक्स एक्सेस आ गया है, अब ये वाला एरिया जेड एक्सेस आ गया है और ये वाला एरिया वाई एक्सेस आ गया है, ये खुद आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये एक्स है वाई है और जेड है, क्लिक करें तो एक्स वाई जेड पोजीशन में मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। थर्ड ओनली जेड आप लाना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें, देख सकते हैं ये सिर्फ जेड पोजीशन में हमारे पास एक्स एक्सिस और इसकी रोटेशन हो गई है। और थर्ड यहाँ पे आप चाहते हैं ये एक्स है वाई है, देखें इसको मैं मूव करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस साइड पे एक्स आ जाए और वाई आ जाए, अब ये एक्स आ गया नीचे वाई आ गया और इस पॉइंट पे जेड एक्सिस आ गया। एक्स वाई जेड होता है क्या बेसिकली, मैं ये वाला जो एरिया है मेरा ये वर्टिकली, ये जो मैं जहाँ से देखें माउस को मूव कर रहा हूँ कर्सर को, तो ये वाला जो एरिया है मेरा ये वाला ये वाई एक्सिस होता है डिफॉल्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये वाला जो एरिया है ये एक्स एक्सिस होता है, जबकि यहाँ सेंटर से ये वाला जो एरिया होता है ये जेड एक्सिस होता है। तो ये था जी आपका इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कि आप इसमें किस तरह काम कर सकते हैं एक्स वाई जेड में। तो हमने काम बेसिकली इन चीज़ों पे नहीं करना, हमने काम करना है यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करें तो वर्ड नॉर्मल डिफॉल्ट होता है। अब मैं जब मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ तो वो हमेशा वर्ड में ही ड्रॉ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके टॉप है बॉटम है लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, इनका क्या फंक्शन होता है इनमें किस तरह काम किया जाता है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हैं। और काम जो हम सही करेंगे वो इस वर्ड के ऊपर ही काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बाद लिए हम नेक्स्ट लेसन में जाते हैं, नेक्स्ट लेसन में ही काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।